सेशन 7 आर, 7 आर में से 6 आर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन से? नंबर वन रिक्रूटमेंट, ध्यान दीजिएगा कौन कौन से आर अभी हमारे कंप्लीट हुए हैं, रिक्रूटमेंट, रिटेल, रिपर्चेज, रिटेंशन, उसके अलावा रिएक्टिवेशन, रिलेशनशिप, ये 6 आर अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा 7वां आर है जिसको बोलते हैं रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड मेंटेन करना एंड रिकॉर्ड रखना, रिकॉर्ड रखना, रिकॉर्ड मेंटेन करना। 7वां आर क्या है? रिकॉर्ड रखना। अब ये रिकॉर्ड रखने का क्या फायदा होता है, किन चीजों का रिकॉर्ड हमें रखना चाहिए, रिकॉर्ड कैसे कैसे रखना चाहिए, इन चीजों के ऊपर आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोगों से हम जानना चाहेंगे, आप लोग बताइए, सभी हमारे लीडर्स यहाँ पर हैं, रिकॉर्ड रखने का क्या फायदा होता है, रिकॉर्ड कैसे रखना चाहिए और रिकॉर्ड क्यों रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, क्या बेनिफिट होता है इसका, और हमें कैसे रखना चाहिए और किन किन चीजों का रिकॉर्ड रखना चाहिए और उन चीजों का रिकॉर्ड रखने से हमें क्या फायदा होगा, तो बताएंगे प्लीज, कौन कौन बताना चाहेंगे? यस, नमस्कार। पहले नमस्कार, अजब सिंह फौजी साहब बताना चाहते हैं, हमारे एसटीसी लीडर। यस फौजी साहब, प्लीज वेलकम। सबसे पहले बात है, जो भी कुछ हम करते हैं वो हमेशा हमें याद नहीं रहता है, और रिकॉर्ड रहेगा तो हमेशा याद रहेगा हमें, और कभी भी हम खोल कर उसको देख सकते हैं। दूसरा, हमारी टीम क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है वो हम मेंटेन करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कौन हमारा क्या काम कर रहा है और कहाँ काम चल रहा है। तो रिकॉर्ड रखना सर बहुत जरूरी है, और जितना भी हम काम करते हैं उसका सब रिकॉर्ड रखेंगे तो हमें पछताना नहीं पड़ेगा कि हम ये भूल गए, इसको नहीं कर, इसको नहीं किया तो दिक्कत आ जाएगी, तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी अगर हम रिकॉर्ड रखते हैं। थैंक यू सर। चलिए, वेरी गुड, बहुत सुंदर। रिकॉर्ड रखने से फौजी साहब ने बताया कि हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। यस डिंपल मैम, आप बताइए, रिकॉर्ड क्यों रखना चाहिए, किन चीजों का रिकॉर्ड रखना चाहिए, क्या फायदा होता है रिकॉर्ड रखने से? यस सर, हमारी टीम में जो लोग जुड़ जाते हैं उनका भी रिकॉर्ड रखना चाहिए। फिर उनका भी ऐसे कि हमारी टीम में कितने लोग जुड़ गए हैं, बाकी का जिन लोगों का प्रोडक्ट में किस किस का देना है, किसका पहुंच गया है, बाकी का किसने कितनी रुपए से ज्वाइनिंग की है, चीज का, सारी चीजों का। और बाकी हमारी लिस्ट जो हम बनाते हैं उसमें हमने जो लिस्ट बनाई है कहाँ कहाँ की बनाई, उनका भी होना चाहिए सर। कितने लोगों का अपना और टीम का फॉलोअप हो गया है वो भी होना चाहिए टीम में, और उसमें कितने हमें प्लान दिखाने, उन सारी चीजों का सर रिपोर्ट। ओके गुड, चलिए बहुत सुंदर। रिकॉर्ड रखने से क्या फायदा होता है मैम? सर, रिकॉर्ड रखने से ये फायदा होता है, यानी कि हमने जिन जिन लोगों को प्लान दिखाया है तो उनका फॉलोअप हमारी समझ में आ जाए कि इन लोगों का हमें फॉलोअप करना है, और जिन लोगों का फॉलोअप हो जाता है वो कभी बीच बीच में हमें, जैसे कि आप फॉलोअप करते समय जब अगर ज्वाइनिंग नहीं, पैसे नहीं दे पाते हैं तो उनका रिकॉर्ड इसलिए टाइम टेबल से रखना चाहिए कि हमें उनसे इस दिन पैसे लेने, और सामान का रिकॉर्ड इसलिए रखना चाहिए कि हमने किस किस को कितना कितना सामान दे दिया है, हिसाब करने में दिक्कत नहीं है। और बाकी का जैसे कि ज्वाइनिंग का रिकॉर्ड इसलिए रखना चाहिए कि किस व्यक्ति की कितने की ज्वाइनिंग आई है, आगे हिसाब में बढ़ रहा है। गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए भावी भावना मैम से जानना चाहते हैं। यस भावना मैम, आप बताइए, रिकॉर्ड हमें किन किन चीजों का रखना चाहिए, रिकॉर्ड रखने से क्या फायदा होता है, रिकॉर्ड हमें कैसे रखना चाहिए? सर, रिकॉर्ड रखने के बहुत फायदे हैं। एक तो पहला आपको ये पता रहेगा कि आपकी टीम में कितने मेंबर्स हैं, दूसरा आपको ये पता चलेगा कि आपने किसी को अगर प्रोडक्ट दे रखे हैं तो उसका रीपरचेज का टाइम तो नहीं आ गया है, आप उनको याद करवा सकते हैं कि आपका रीपरचेज करना है आपको, आपने कोई प्रोडक्ट दवाई मेडिसिन दे रखी है उनको तो ये बता सकते हैं आप उनको। और तीसरा यही है कि आपका बिजनेस तभी ग्रो करेगा जब आपके पास रिकॉर्ड रहेगा कि आपके एक्टिव मेंबर कितने हैं और नॉन एक्टिव मेंबर्स कितने हैं, ताकि आप उनको भी टाइम टू टाइम उनको एक्टिव कर सको। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यस, और कौन बताना चाहेंगे हमारे लीडर, रिकॉर्ड को लेके, रिकॉर्ड के बारे में और कौन बात करना चाहेंगे, कौन बताना चाहेंगे? कमलवीर जी, दीपक जी, मनीषा जी, शुक्ला जी,
चलिए, बात हो रही है रिकॉर्ड मेकिंग की, रिकॉर्ड रखने की। तो देखिए, सबसे पहले तो रिकॉर्ड रखना क्यों जरूरी है? रिकॉर्ड होता क्या है? रिकॉर्ड मतलब लेखा जोखा। रिकॉर्ड मतलब आपका जो भी जो काम आप कर रहे हो, जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, उनका पूरा का पूरा लेखा जोखा। और कहा जाता है कि जब तक कोई भी चीज ब्लैक एंड व्हाइट ना हो जाए, वो पूरी नहीं होती है। जब तक किसी भी चीज को आप लिख नहीं लेते हो, वो चीज कंप्लीट नहीं मानी जाती है। जब आप किसी चीज को लिख लेते हो तो वो कंप्लीट हो जाती है, वो पूर्ण हो जाती है। जब आप किसी चीज का रिकॉर्ड रख लेते हो तो वो चीज पूरी होती है, कंप्लीट होती है। अब देखिए, रिकॉर्ड रखना क्यों जरूरी है? एक्चुअली क्या है, हमारे माइंड में ना बहुत सारे विचार आते हैं और जाते हैं, और ईश्वर ने हमें एक शक्ति दी है, क्या? भूलने की शक्ति। ये भी शक्ति है, ये कोई आप इसको मतलब ये मत मानिए कि कोई कोई गलत चीज है। यदि हम सारी चीजों को याद रखने लगेंगे ना, तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे। आपको पता है, यदि हमें सारी चीजें याद रहने लगेंगी, सब कुछ याद है ना, एवरीथिंग वी रिमेम्बर, यदि हमें सब कुछ याद है, सब कुछ याद है, तो आप सोच के देखिए कितनी लाइफ पजल्ड हो जाएगी। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको आप भूलना चाहते हो। अरे भूल जाओ, कोई दुर्घटना हुई, किसी की डेथ हुई, किसी का ये हुआ वो हुआ, कभी लाइफ में कोई सेटबैक आया, तो वो सारी चीजें भूलना बहुत जरूरी है। तो जैसे याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही भूलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे शरीर को, हमारे ईश्वर की तरफ से एक वरदान है कि हम चीजों को क्या कर देते हैं, भूल भी जाते हैं, रिकॉल भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। लेकिन अब सारी चीजों को तो याद नहीं रख सकते, भूलना ही है, क्योंकि वो पीछे से सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें समय समय पर उनकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आज मैंने कोई काम किया और मैं कल इस काम के बारे में जानना चाहता हूं, अब मुझे याद तो है ही नहीं, लेकिन यदि मेरे पास में उसका रिकॉर्ड मेंटेन है, तो मैं कभी भी उस रिकॉर्ड को चेक करके वापस रिकॉल कर सकता हूँ। एक्चुअली सिस्टम समझिए, साइंस समझिए होता क्या है। आपको थोड़ा सा इसके पीछे जो हमारा जो ब्रेन का जो साइंस है, हमारा जो न्यूरो साइंस जिसको बोलते हैं, उसको थोड़ा सा समझिए। वो एक्चुअली है क्या, जब भी कोई चीज हम देखते हैं या कोई भी एक्टिविटी हमारी लाइफ में होती है या कोई भी घटना हमारे साथ घटती है, वो घटना, वो एक्टिविटी, वो जो भी चीज हुई हमारे साथ हैपनिंग, वो हमारे माइंड में स्टोर हो जाती है फाइल में। जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर डिस्क होती है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, आपके कंप्यूटर में होती है ना, ड्राइव होती है जिनमें आप अलग अलग डाल देते हैं, ये सी ड्राइव में ये पड़ा है, डी ड्राइव में ट्रेनिंग्स पड़ी हैं, ई ड्राइव में फैमिली के फोटोज पड़े हैं। जैसे आप डाल देते हो, उसी तरीके से हमारे माइंड के अंदर भी बहुत सारी फाइल्स बन जाती हैं, फाइल बनती जाती हैं। हमारे माइंड में बहुत सारी फाइल पड़ी हुई है। आपके माइंड में एक फाइल पड़ी है एक्सीडेंट की, आपके माइंड में एक फाइल पड़ी हुई है शादियों की, आपके माइंड में एक फाइल पड़ी हुई है दावत की, आपके माइंड में एक फाइल पड़ी हुई है ड्रेसेस की, आपके माइंड में एक फाइल पड़ी हुई है आपके पिकनिक की, आपके माइंड में एक फाइल पड़ी हुई है टीम के साथ झगड़े की, एक फाइल पड़ी हुई है टीम के साथ एंजॉय करने की। मतलब आपके माइंड में ना बहुत सारी फाइल्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स होती हैं। कोई भी एक चीज हमारे साथ घटना घटी, वो फाइल बन के स्टोर हो जाती है हमारे माइंड में। अब ये फाइल ओपन कब होती है? जब हम अपने माइंड को कमांड देते हैं उसके बारे में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपसे किसी एक्सीडेंट की बात करने लगूं, एक्सीडेंट, अरे यार कल है ना मैंने देखा एक बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, मतलब ट्रक ने एक ट्रैक्टर को उड़ा दिया। अभी मैंने एक्सीडेंट की जैसे बात की, आप लोगों के माइंड में भी थोड़ी देर के अंदर आप सबके माइंड में एक्सीडेंट वाली सब फाइल ओपन हो जाएंगी। अभी हम थोड़ा सा एक्सीडेंट के बारे में बात करना चालू कर दें, तो आप सबके माइंड में एक्सीडेंट की फाइल ओपन हो जाएंगी और आप लोग भी एक्सीडेंट के बारे में मुझे बताना चालू कर दोगे। अरे सर, हमने भी एक एक्सीडेंट देखा था, बड़ा खतरनाक था, एक्सीडेंट का तो सर नाम ही बहुत बुरा है, एक्सीडेंट का तो नाम सुन के ये हो जाता है, वो हो जाता है, सब चालू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो एक्सीडेंट की जो फाइल थी आपकी, वो ओपन हो गई। अभी ऐसे ही हमने बात की किसी पिकनिक की, अरे एक बार है ना पिकनिक पे गए, बड़ा मजा आया, एक बार हम लोग नैनीताल गए थे, बड़ा मजा आया हम लोगों ने, वहां पे रास्ते में नदी बह रही थी, वहां पे नदी में फिर पानी नहीं था बहुत ज्यादा, थोड़ा थोड़ा पानी चल रहा था, हम लोग नदी में चले गए, जाके वहां पे हम लोगों ने काफी देर बैठ के एंजॉय किया। अब आप सब लोगों के मन में जितनी भी फाइल
पानी से रिलेटेड फाइल, नदी से रिलेटेड फाइल, पिकनिक से रिलेटेड जो भी फाइल है वो सब ओपन हो जाएगी। होती है कि नहीं होती? सब फाइल ओपन हो जाती है। अभी यदि मैं शादी की कोई बात करने लगूं, कल है ना मैं एक शादी में गया था, क्या मजा आया उधर, क्या डांस किया उधर सब लोगों ने मिलके। शादी में ये समझ लीजिए वो डांस करने का मौका तो अच्छे से शादी में ही मिल पाता है। अब मैं शादी की बात करने लगूं, सबके माइंड में शादी की फाइल, डांस की फाइल सब ओपन हो जाएगी। तो होता क्या है, ये जो माइंड है इसमें फाइल्स बहुत सारी हमने स्टोर की हुई हैं। ये ओपन जब होती है, जब इनको कमांड दी जाती है या सामने वाला व्यक्ति कोई उसी चीज की बात कर रहा है, तो वही फाइल हमारी खुल जाती है। अब देखो रिकॉर्ड मेंटेन करने से क्या फायदा होता है, जब आप रिकॉर्ड मेंटेन कर लेते हो तो वो फाइल, उस रिकॉर्ड की भी फाइल आपके माइंड में चली गई लेकिन आप भूल गए हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात करें, पिछले महीने आपकी टीम में किस किसने रिपर्चेज की थी, अभी आपको ऐसे याद नहीं है, लेकिन आपने क्या किया, फटाफट से अपनी डायरी खोली, क्लोजिंग वाली डायरी खोली और क्लोजिंग वाली डायरी में देखना चालू किया आपने रिपर्चेज किस किसने किया, प्लस माइंड में भी वो फाइल ओपन होगी और आपकी ये वाली भी फाइल ओपन होगी, दोनों फाइल ओपन होगी। अब आप उसमें से देख रहे हो किस किसने रिपर्चेज की थी, तो चलो अब इस महीने किस किस से रिपर्चेज करवानी है, सबसे पहले तो इनको कॉल करते हैं, पहले तो इनकी करवाते हैं और फिर जो लोग रह गए हैं अब उनकी करवाते हैं। अब पिछले महीने किस किस की हुई थी ये पता किससे चला, आपके रिकॉर्ड से। अब और किस किस की करवानी है ये पता किससे चला, रिकॉर्ड से, कि पिछले महीने इनकी हुई थी, ये रह गए थे तो अब इनकी करनी है। यानी जो हुआ उसका भी पता रिकॉर्ड से चलेगा और जो नहीं हुआ उसका भी पता रिकॉर्ड से ही चलेगा। जो होता है उसका भी पता रिकॉर्ड से चलता है, जो नहीं होता है उसका भी रिकॉर्ड से ही पता चलेगा। अच्छा इन इनकी नहीं हुई थी, इनकी हुई थी, चलो अब इनकी भी करवाते हैं। समझ में आ गया? दूसरी चीज, आपके साथ कोई बंदे, जितने भी लोग ज्वाइन हुए, जैसे अभी डिम्पल मैम ने बोला था कि लोग ज्वाइन हो तो हमें उनका रिकॉर्ड रखना चाहिए, रिकॉर्ड रखना चाहिए कितने अमाउंट से ज्वाइन किया उन्होंने। और जब बात आती है जे आर ट्रिप फॉर्मूला में ट्राइपोड की, और आपको ये देखना है यार मुझे ट्राइपोड किस किस का करवाना है, तो ट्राइपोड किस किस का करवाना है, तो उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, रिकॉर्ड पे जाना होगा ये देखने के लिए कि सिंगल आईडी से ज्वाइनिंग कौन कौन सी हुई है। और फिर आप उसमें देखोगे अच्छा इसकी भी 5,000 से ज्वाइनिंग है, अच्छा इसने 7,000 दिए थे, अच्छा इसने 8,000 दिए थे, चलो तो इनसे 8,000 और लेते हैं, इनसे 10,000 और लेते हैं, इससे 7,000 और लेते हैं, और फिर आप उनको ट्राईपोर्ड के लिए आप उनसे बात कर सकते हैं। तो ये किस किसने ट्राईपोर्ड किया था, किस किसने नहीं किया था, किससे पता चला आपको, रिकॉर्ड किस किसने किया पता चला। इसी तरीके से कल मीटिंग में कौन कौन लोग आए थे, आज मीटिंग में मुझे किस किस को बुलाना है, ये किससे पता चलेगा, रिकॉर्ड से। कल का रिकॉर्ड ओपन कीजिए, कल कौन कौन आए थे, अच्छा कल ये आए थे, अभी आए कि नहीं आए, ओके नहीं आए अभी, अच्छा ठीक है इनको बुलाना है, अच्छा ये आए थे कल, ये आए थे, ये आए थे, ये आए थे, ओके ये नहीं आए थे, ओके। तो जो हुआ था वो भी पता चल गया रिकॉर्ड से और जो नहीं हुआ था वो भी पता चल गया। तो जो हुआ था अब आप उनको भी दोबारा रिकॉल कर सकते हो और जो नहीं आए थे उनको भी आप दोबारा बुला सकते हो। तो ये पता किससे चला, रिकॉर्ड से। पिछले महीने में आपने टोटल कितने प्लान दिखाए, आप ये देखते हो सर मेरी तो इस वीक इनकम ही नहीं बनी। इनकम क्यों नहीं बनी, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो ये जो कमी रह गई, क्या कमी रह गई ये कहां से पता चलेगा, इनकम क्यों नहीं बनी, इनकम इसलिए नहीं बनी होगी क्योंकि काम नहीं हुआ होगा। अच्छा तो काम हुआ कितना था, काम हुआ कितना था, या क्या काम होना चाहिए था जो नहीं हुआ था, अब ये पता किससे चलेगा। तो एक काम कर लेते हैं, इस वीक इनकम नहीं बनी ना, चलो पिछले वीक का रिकॉर्ड चेक करते हैं, हमने क्या क्या किया था, हमने कितने लोगों को कॉल किया था, कितने लोगों को प्लान किया था, कितने लोगों का फॉलो अप किया था, उसी से तो हमें पता चलेगा पिछले हफ्ते हमने क्या किया था। अरे यार मैंने पिछले हफ्ते तो प्लान तो किए ही नहीं थे, अब ये पता किससे चला, रिकॉर्ड से। सर मेरे तो 7ों दिन खाली है, मैं कॉलिंग तो करता रहा लेकिन प्लान तो मैंने एक भी नहीं किया, और जब प्लान नहीं हुए तो फॉलो अप नहीं हुआ, फॉलो अप नहीं हुआ तो क्लोजिंग नहीं हुई। तो जो सेल्फ इवेल्युएशन है, जो मूल्यांकन है, वो भी किससे होता है, रिकॉर्ड से। यदि आपके पास में रिकॉर्ड होता है तो आप उससे अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट कर सकते हो, आप अपना एनालिसिस कर सकते हो, बिजनेस आपका अप एंड डाउन जा रहा है तो आप उसको चेक कर सकते हो। अच्छा पिछले महीने मैं आपको बताऊं सीरियसली,
अभी मेरी लास्ट, एक्चुअली क्या होता है, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, तो मैं यूट्यूब चैनल पे ये देखता हूँ कि लास्ट 28 डेज में रेवेन्यू कितना बना, तो उसमें आता है 28 डेज का रेवेन्यू आता है जैसे $43 अभी, क्योंकि शुरुआत है मेरे चैनल की, तो अभी ऐसे ही आता है $43, $42, कभी आता है $41, कभी $40। तो इससे मुझे ये पता चल जाता है, अच्छा जैसे ये आया रिकॉर्ड आया, मैंने देखा उसमें, अच्छा $42 बने हैं 28 दिन के, तो फिर मैं देखता हूँ इसका मतलब मैंने है ना अभी वीडियोस कुछ कम डाली है, पिछले हफ्ते तो $45 थे, आज 42 कैसे रह गए 28 डेज में, तो फिर मैं बोलता हूँ इसका मतलब इस बार कुछ वीडियोस कम पड़े हैं। तो ये मुझे किससे पता चला, उस रिकॉर्ड से पता चला, तो फिर मुझे क्या करना है, इसको इम्प्रूव करना है, तो चलो और कुछ वीडियोस डालते हैं, राइट। इस तरीके से होता है। तो ये रिकॉर्ड क्या करता है, आपका एक एनालिसिस करने में मदद करता है, रिकॉर्ड आपके बिजनेस को इम्प्रूव करने में मदद करता है, यदि आपको बिजनेस को इम्प्रूव करना है, अपनी स्थिति को और अच्छा करना है, अपने स्थिति को देखना है कमी कहाँ रह गई थी, आपको बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए एक्टिविटीज करनी है, और ज्यादा लोगों को बुलाना है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता चलती हैं रिकॉर्ड से। और एक चीज और बताता हूं आपको रिकॉर्ड को लेके, फाइनली आपका रिकॉर्ड आपको मोटिवेट करता है सबसे ज्यादा, यदि आप अपने काम का डेली रिकॉर्ड रखते हो। तो मैं एक बहुत प्यारी सी किताब है, मुझे एग्जैक्टली भी उसका नाम याद नहीं आ रहा है, वो बोलते हैं कि दुनिया में यदि कोई चीज आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है, तो वो मोटिवेट करता है आपका रिकॉर्ड। यदि आप डेली रिकॉर्ड रखते हो और आप 1 महीने बाद जब आप उस रिकॉर्ड को चेक करते हो, मैंने इस महीने में क्या-क्या किया, तो ये जो आपने जो पिछले महीने में किया है ना, ये आपको मोटिवेशन देता है। यदि आपने लिटरली वो किया है जो आपको करना चाहिए और उसका आपने रिकॉर्ड रखा है, तो यही रिकॉर्ड आपको मोटिवेट करता है आगे काम करने के लिए। आपने पिछले महीने में 30 प्लान दिखाए थे, 30 प्लान में से 10 ज्वाइनिंग हुई थी, अब ये आपको मोटिवेट कर रहा है, वाओ मैंने 30 प्लान दिखा के 10 ज्वाइनिंग की, क्या इसका मतलब मैं अब भी कर सकता हूं ये काम तो। और फिर वापस आप चार्ज हो जाते हो आगे को और करने के लिए, वापस मोटिवेट हो जाते हो अपने रिकॉर्ड को देख के। तो यदि आप और ज्यादा मोटिवेट होना चाहते हो, तो आप डेली काम कीजिए और उस काम का रिकॉर्ड रखिए। और एक चीज और बताऊं, ये रिकॉर्ड सिर्फ आपको ही मोटिवेट नहीं करता, आपका रिकॉर्ड आपकी टीम को भी मोटिवेट करता है, आपका रिकॉर्ड आपकी टीम को मोटिवेट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपके साथ बैठा हुआ हूं, अभी मैं आप लोगों को डेली बोलता हूँ कि ट्रेनिंग में कितने लोग आए उसका रिकॉर्ड रखा करो, बोलता हूँ ना आप लोगों को डेली रिकॉर्ड रखा करिए ट्रेनिंग में कितने लोग आए आपके। और फिर मैं आपको बोलता हूँ देखिए मैं रखता हूँ, देखिए रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है आपको, मेरे नाम लिखे हुए सबके, देखो नाम लिखे होंगे, फर्स्ट लेग, सेकंड लेग, थर्ड लेग, नाम दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, मेरा रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ। तो अब मेरा रिकॉर्ड देखने के बाद आपको कैसा लगा, अरे यार सर करते हैं तो फिर तो हमें भी करना चाहिए, क्या मिला, मेरे रिकॉर्ड को देख के आपको मोटिवेशन मिला, मेरे रिकॉर्ड को देख के मुझे भी मोटिवेशन मिला, मेरे रिकॉर्ड को देख के आपको भी मोटिवेशन मिला, हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है कि हमें भी करना चाहिए। तो ये फायदा होता है रिकॉर्ड रखने से। तो देखो रिकॉर्ड रखने से क्या क्या फायदा होता है, एक बार रिवाइज करते हैं। रिकॉर्ड रखने से पहला फायदा होता है, हम काम कितना कर रहे हैं हमें ये पता रहता है, कमी कहाँ हो रही है हमें ये पता रहता है, हमारी वीकनेस क्या है हमें ये पता रहता है, हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है हमें ये पता रहता है, हमें किन चीजों में और इम्प्रूवमेंट करना है ये पता रहता है, हमें किन लोगों के साथ काम करना चाहिए ये पता रहता है, हमें क्या क्या एक्टिविटी करनी चाहिए ये पता रहता है, हमारी कौन सी एक्टिविटी से रिजल्ट अच्छा आ रहा है ये पता रहता है, हमारे कौन से काम से रिजल्ट नहीं आ रहा है ये पता रहता है, हमें किस किस का ट्राइपोड करवाना है ये पता है, किसकी रिपर्चेस करवानी है ये पता है, कितनी रिटेलिंग पिछले हफ्ते हुई ये पता है, सारा कुछ, कितने लोग ट्रेनिंग्स में आ रहे हैं, कितने लोग ट्रेनिंग में और लेके आने हैं, ये सब कुछ हमें रिकॉर्ड से पता होता है। हम खुद भी रिकॉर्ड से मोटिवेट होते हैं, हमारी टीम भी रिकॉर्ड से मोटिवेट होती है। तो रिकॉर्ड हम सब लोगों को रखना चाहिए। अब रिकॉर्ड किन किन चीजों का रखना चाहिए, सबसे पहले मैंने आज कितने लोगों की लिस्ट बनाई, मैंने आज कितने लोगों को कॉल किया, मैंने आज कितने लोगों को प्लान दिखाया, मैंने आज कितने लोगों का फॉलोअप किया, आज मैंने किस किस के साथ में बैठ के टीम के साथ काउंसलिंग की, आज मैंने टीम में किसको ट्रेनिंग दी, इस वीक मेरी टीम में कौन कौन लोग ज्वाइन हुए,
इस वीक मेरी टीम से किस किस ने रिपर्चेज की, इस वीक मेरी टोटल टीम से कितना बिजनेस आया, इस वीक मेरी इनकम कितनी बनी, इस वीक मेरे लोगों की इनकम कितनी बनी, अगले वीक मुझे और किस किस की इनकम बनवानी है, ये सारी की सारी चीजें कहाँ रखनी है आपको, रिकॉर्ड में रखनी। नैनीताल कौन कौन जा रहे हैं, नैनीताल का पैसा किस किस का आ गया है, मुझे किस किस का प्रोडक्ट अभी डिलीवर करना है, किस किस का प्रोडक्ट डिलीवर हो गया है, ये सब चीजों का रिकॉर्ड रखा जाता है। यानी बिजनेस में एक से लेकर के लास्ट तक जो जो एक्टिविटीज होती है, हमें वो सारी की सारी एक्टिविटीज का हमें रिकॉर्ड रखना चाहिए। प्रोडक्ट का रिकॉर्ड रखोगे कभी प्रोडक्ट की भूल नहीं पड़ेगी, पैसे का रिकॉर्ड रखोगे कभी पैसे की भूल नहीं पड़ेगी, फोर बेसिक का रिकॉर्ड रखोगे तो डेली फोर बेसिक करोगे और अपनी टीम से आप फोर बेसिक करवा पाओगे। तो ये बहुत सारी चीजें होती है हमें जिनका रिकॉर्ड रखना चाहिए। आज मैंने किताब के कितने पेज पढ़े, आज कौन सी किताब पढ़ी, आज मैंने कौन सा वीडियो सुना, आज मैंने कौन सी ट्रेनिंग अटेंड की, ये सब चीजों का रिकॉर्ड हम लोग रख सकते हैं। तो ये था रिकॉर्ड को लेकर के मेरी तरफ से कुछ चीजें। अभी सर हमारे बीच में आ चुके हैं तो मैं चाहता हूँ सर अपने मैं क्लोजिंग वर्ड्स के साथ आज की इस मीटिंग का समापन करेंगे। प्लीज सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू मुकेश जी, बहुत ही सुंदर, और आप सभी को मेरा नमस्कार। आज रिकॉर्ड मेकिंग का जो सेशन था बहुत ही शानदार था। रिकॉर्ड तो हमें रखना ही चाहिए, सबसे पहले हम अपना खुद का रिकॉर्ड रखें, फिर टीम का रिकॉर्ड मेरे साथ में रखें कि उनके गोल्स क्या हैं, उनके टारगेट्स क्या हैं, उनको भी समय समय पे याद भी दिलवाना है। और अभी एक चीज का और रिकॉर्ड रखना है, जैसे रिपर्चेज का था, तो अभी कंपनी ने 6 महीने के लिए, आपको पता है ना ऑफर का मुकेश जी, सबको पता है क्या? नहीं सर, पापा को शर्मा नहीं जी। पता सर, लेकिन मुझे तो हाँ पता है। हाँ मुकेश साहब, उसे भी थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। चले मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी कंपनी ने एक रिपर्चेज ऑफर दिया है, कंपनी ने एक रिपर्चेज ऑफर दिया हुआ है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपनी आईडी के ऊपर अपनी जो रिपर्चेज की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, उस क्वालिफिकेशन का मिनिमम 4 टाइम्स परचेज करता है एवरी मंथ, रिपर्चेज करता है मिनिमम 4 गुना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका 1,000 रुपए की परचेजिंग रिक्वायर्ड होती है G75 बिजनेस वॉल्यूम के एक डिस्ट्रीब्यूटर को। यदि वो डिस्ट्रीब्यूटर 4,000 या 4,000 से ऊपर जितनी भी रिपर्चेज करेगा, 4,000 की करे या 4,000 से ऊपर, यानी 4 गुना या 4 गुने से ज्यादा, अब मान लेते हैं वो 4 गुना ही करता है और लगातार 6 महीने करता है, यानी 4,000 की रिपर्चेज उसने 6 महीना की, तो उसने टोटल परचेजिंग रिपर्चेज उसकी हो गई 24,000 की। अब कंपनी उसको 6वें महीने में 24,000 का 15% एक्स्ट्रा सामान देगी, मतलब एक्स्ट्रा कूपन देगी। 24,000 का 15% कितना हो गया, 3,600 रुपए के एक्स्ट्रा कूपन मिलेंगे उसको। यह हो गया रिपर्चेज ऑफर। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई 10,000 की रिपर्चेजिंग करता है हर महीने, अपनी आईडी के ऊपर 10,000 की रिपर्चेजिंग कर रहा है, उसको करनी चाहिए थी 1,000 की, लेकिन वो क्या कर रहा है, 10,000 की रिपर्चेज कर रहा है, तो 6 महीने में उसने टोटल रिपर्चेस कितने की कर ली, 60,000। तो 60,000 का 15%, यानी 9,000 रुपए के उसे एक्स्ट्रा कूपन मिलेंगे। सोचो, यानी उसने 60,000 का पैसा दिया है और उसको सामान कितने का मिलेगा, 69,000 का, राइट? ये है रिपर्चेस ऑफर। तो अब इसका आप लोगों को रिकॉर्ड ये रखना पड़ेगा कि इन 6 महीने में किस किस व्यक्ति ने ये रिपर्चेज ऑफर के लिए काम किया है, अपना या अपनी टीम में। जैसे मान लेते हैं आपकी टीम में से 4 लोग हैं, उन्होंने इस हफ्ते 4,000 की परचेजिंग की है, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगले महीना वापस आप उनसे बोल के 4,000 की रिपर्चेज करवाएं, जिससे कि उनको रिपर्चेज ऑफर का बेनिफिट मिल सके। तो ये चीज है, तो ये रिपर्चेज ऑफर आया हुआ है कंपनी की तरफ से, जिसका बेनिफिट हम सब लोगों को लेना है। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें आज हम लोगों ने डिस्कस किया रिकॉर्ड मेंटेन करने के ऊपर, रिकॉर्ड रखना चाहिए, रिकॉर्ड क्यों रखना चाहिए, रिकॉर्ड कैसे रखना चाहिए। बाकी सर आ चुके हैं। यस प्लीज वेलकम सर, आप म्यूट हैं सर। यस नहीं सर, मुकेश साहब, आप ही उसको कंटिन्यू कीजिए, थोड़ा ओके सा सर, प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। बाकी मनीषा मैम कुछ कहना चाहती हैं। यस मनीषा मैम, प्लीज वेलकम। सर। गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग। सर, ये कब से कब तक है ऑफर, 6 मंथ्स का जो आया? ये ऑफर इसी वीक से स्टार्ट हो गया है, ओके सर, इसी वीक से, इसी मंथ से स्टार्ट हो गया है, इसी कट ऑफ से। यानी ओके हम लोग सर, किसी, अब ये फर्स्ट वीक चल रहा है, इस कट ऑफ का पहला वीक है अभी, तो जी मंथ 129, यानी हमारा मंथ 129 ही है ना हमारा। यस, यहीं से स्टार्ट हो गया, इसी मतलब कट ऑफ से स्टार्ट हो गया, 129 ही है शायद।
ओके सर, हाँ राइट ना, तो इसी कट ऑफ से। जी, चलिए तो शुरुआत करते हैं सब लोग और बेनिफिट लेते हैं और रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। मेन चीज सब लोग रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, हर चीज का रिकॉर्ड रखने की कोशिश कीजिए। सभी को नमस्कार।